बैक टू आर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब जो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। 31 मई है जो लास्ट डेट है। जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हों तो प्लीज़ भर दें। ये नोटिफिकेशन है SGPGI लखनऊ का। लास्ट टाइम पेपर है जो मार्च 2023 में हो चुका है। इसका एक बार पेपर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, अब दोबारा से वैकेंसी निकली है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी लोगों को, जिनको जो लोग वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आई थिंक 5 मई को आया था नोटिफिकेशन। मैंने भी देखा हुआ था, लेकिन जो कमेंट्स आ रहे थे वो थे इसके सिलेबस को लेके कि तैयारी कैसे की जाए जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो इस बार भी इन्होंने सेम एज वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं जो 2023 में फॉलो किया था। मार्च में पेपर हुआ था 2023 में। तो यहाँ पर जो पोस्ट है इस बार, बस पोस्ट में थोड़ा सा अंतर। आई थिंक पिछली बार 1900 समथिंग थी, इस बार 1426 पोस्ट है। लेवल 7 से पे किया जाना है। और यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ फॉर्म भर दें। SGPGI की वेबसाइट पे जाइए, आपको यहाँ से पूरा है जो सब चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। और जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो फीस वगैरह भी सब नोटिफिकेशन में दे रखी है कि जनरल वालों को 1000 फीस है, फिर GST 180 रुपये अलग से लगेगा। OBC EWS को भी सेम फीस है, बस SC ST को 600 फीस रहने वाली है। यूपी गवर्नमेंट के जो लोग यूपी से अप्लाई करते हैं उनको रिजर्वेशन कोटा अलग से मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे आपका लगने वाला है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर BSc नर्सिंग, GNM सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BSc वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास ओनली रजिस्ट्रेशन 200 इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो या फिर किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका किसी भी स्टेट का चल जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास है जो रजिस्ट्रेशन कहाँ का होना चाहिए, यूपी का। लेकिन अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ टाइम मिल जाता है। यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो उस दौरान आपका रजिस्ट्रेशन भी चेंज हो जाता है। यदि GNM वाले अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 50 बेडेड हॉस्पिटल में एटलीस्ट 2 साल के काम का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन जब BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc वाले अप्लाई करेंगे तो उनको कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और 31 मई है जो लास्ट डेट है। SGPGI की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से आपको सभी चीज़ें हैं जो डिटेल में बहुत ही अच्छे हैं, जो बोल्ड लेटर्स में लिखी भी गई हैं सॉरी, तो आपको समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहना है। यदि हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम है जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यहाँ पे आपका CBT ही होने वाला है जो टेस्ट होगा। यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर आपका। और यहाँ पे हम बात करें, एग्ज़ाम का फॉर्मेट ओनली इंग्लिश होगा जैसा लास्ट टाइम रहा है। हॉल टिकट है वो भी आपको SGPGI की वेबसाइट पर ही मिलेंगी। पेपर की हम बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। कितना होगा? 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 60 नंबर होंगे आपके यदि नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग से रिलेट करते हुए। 10 नंबर का GK होगा, 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 की रीजनिंग होगी और 10 की मैथ आएगी। और यहाँ पर आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल EWS OBC को 50%, बाकी SC ST को 45%। और यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। तो एज एन अकॉर्डिंग टू मी, कि मैं आप सभी को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आती है और यदि 2023-22 में पेपर हुए हों और आपके पास सिलेबस है तो आप उसको फॉलो कीजिए, उस सिलेबस को, जब तक आपका नया सिलेबस अपडेट नहीं किया जाता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपका 1 साल के गैप में सिलेबस नहीं बदला जाता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो 2023 का सिलेबस था वो किस तरीके से था। तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन SGPGI की वेबसाइट पर जाके आप पढ़ लीजिए। ये रहा आपका यहाँ पे सिलेबस। ये जो ये सिलेबस है, ये नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस है जो मार्च 2023 में पेपर हुआ था। GNM BSc वालों ने एग्ज़ाम दिया था, तो जो आपका 60% आपके सब्जेक्ट्स रिलेट करते हुए आना है, तो वो तो ये रहा आपको कि बेसिक साइंस, न्यूट्रिशन, डाइटिक, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक, फंडामेंटल, पीडियाट्रिक, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एजुकेशन, ट्रेंड इन नर्सिंग, मतलब आपका नर्सिंग में से सब कुछ आना है 60% में। अब जो बचा हुआ है उसमें क्या आपका ऐड हो जाएगा, तो GK जो 10 नंबर का आएगा, जनरल नॉलेज होगा, इसकी कोई सीमा नहीं होती कहाँ से पूछ लें, ना रीजनिंग का ना मैथ का।
तो यहाँ पे आपका जो नर्सिंग का है वो तो एक लिमिटेड होता है जो आप बहुत इजीली रिवाइज़ कर सकते हैं। और जिन्होंने यदि रिसेंट में नॉर्सेट की तैयारी कर रखी थी, किसी भी रीज़न से नहीं हुआ या मार्क्स कम पड़ गए, तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म भरें, हो सकता है आपका इस जॉब में है जो सिलेक्शन हो जाए। तो ये था SGPGI का सिलेबस, आप इस सिलेबस को फॉलो कीजिए। जब तक आपका जो ऑफिशियल सिलेबस अपडेट नहीं किया जाता है और आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं, तो ये देखिए, आपको मैं डायरेक्ट आपको SGPGI की वेबसाइट पर लेके चलती हूँ। ये रही आपकी SGPGI की वेबसाइट, यहाँ पे आप जाइए, करंट ओपनिंग को आप ओपन कीजिए। ये देखिए, तो अभी करंट ओपनिंग में जो नोटिफिकेशन चल रहा है वो आपका ये रहा जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। इसमें बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। और जो आपके अंदर डाउट रह जाते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम पेपर मार्च में हुआ था, यदि चैनल पे अपडेट नहीं होगा पेपर, तो मैं आपको पेपर है जो ज़रूर अपडेट कर दूँगी, ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से है जो आपका एग्ज़ाम होता है। और भी कोई आपके डाउट रहें तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। जो लोग ESIC की तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लासेस अभी डेली करवाई जा रही हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन किया कीजिए। और जो SGPGI के लिए कर रहे हैं, तो वो भी क्लास ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि जो आप नर्सिंग के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो भी पेपर सॉल्व करते हैं, वो आपको सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मे भी जून फर्स्ट वीक में हमारी बुक है जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी। प्रिंटिंग में है अभी हमारी बुक, इसलिए थोड़ा सा आप जो टाइम लग रहा है, जैसे ही बुक आती है तो आपको भी अपडेट किया जाएगा। थैंक